हाय गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इरविन कॉफमैन का जो कॉन्सेप्ट है ड्रामाटर्जी, या फिर कैसे प्रोनाउंस करो। मैं ये वीडियो थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं इतना देर से ड्रामाटोलॉजी पढ़ रही थी। एनीवेज, इट्स ड्रामाटर्जी। आई माई सेल्फ डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस टर्म, बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉन्सेप्ट एंड ये मेरे फेवरेट सोशोलॉजिस्ट है। उसके बाद भी मुझे इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। एनीवेज, ड्रामाटर्जी कुछ भी बोलो ऑफ। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है ड्रामाटर्जी, तो बहुत ही ईजी, बहुत ही आप रिलेट कर पाओगे। लाइक दिस इज़ द कॉन्सेप्ट और द सोशोलॉजिकल टर्म विच आई रिलेट द मोस्ट। तो एनी वेज, तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँगी। तो ये वीडियो शायद 4-5 पार्ट में आए। तो इंट्रोडक्शन शायद मैं लास्ट पार्ट में दूँ। जिस हिसाब से मैंने अपना नोट्स लिखा है उसी हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इरविन कॉफमैन, इनको आप वो क्या बोलते हैं, इरविन कॉफमैन, तो ही इज़ ऑफकोर्स अ सोशोलॉजिस्ट। तो इस इनको आप सिम्बॉलिक इंटरेक्शन में स्कूल में भी ले सकते हो। तो एनी वेज, तो उन्होंने जो उनका जन्म हुआ था 1922 में और डेथ हुआ था 1982 में। सो ही रिकास्टेड द थियोलॉजिकल टर्म ड्रामाटर्जी इंटू सोशोलॉजिकल टर्म। तो बेसिकली मैं हिंदी में बहुत ईजिली इनका समझा देती हूँ। तो जैसे कि आपने कभी ड्रामा होते हुए देखा है थिएटर में, उस हिसाब से जो ड्रामा में अगर आपने देखा है तो आप देखोगे तो एक स्टेज होता है, ठीक है, स्टेज होता है, वहाँ पर एक्टर्स होते हैं। जैसे जो सलमान खान, शाहरुख खान, तो वो एक्टर्स होते हैं, वो लोग एक्टिंग करते हैं। स्क्रिप्ट रहता है, तो उनको डायरेक्टर रहता है, डायरेक्टर उनको स्क्रिप्ट देते हैं। तो डायरेक्टर एक्शन बोलता है, शाहरुख खान, सलमान खान एक्टिंग करते हैं। स्टेज में फ्रंट स्टेज होता है जिसमें वो लोग एक्टिंग करते हैं, और बैक स्टेज होता है जहाँ पे वो लोग नॉर्मल रहते हैं, जिनको जहाँ पे वो लोग एक्टिंग नहीं करते, वो लोग अपने घर परिवार के साथ सोते हैं या फिर कुछ मोबाइल देखते हैं। बट जब वो लोग फ्रंट स्टेज में आ जाते हैं, वो लोग जो डायरेक्टर उनको एक्शन बोलते हैं या फिर जो स्क्रिप्ट का डिमांड होता है उसकी बेसिस पे वो लोग एक्टिंग करते हैं। और ये सब जो थिएटर में ड्रामा होता है वो कौन देखता है? ऑडियंस, मतलब हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ड्रामा का, ये सभी को पता है जो लोग थिएटर देखते हैं। तो एनीवेज, तो ये जो ड्रामा होता है या फिर जो थिएटर परफॉर्मेंस होता है, उन्हीं के साथ उन्होंने जो हम लोग का मतलब हम लोग का जो एवरीडे लाइफ है, या फिर जो हम लोग जो मैं आप जो सोसाइटी में रहते हैं, जिस हिसाब से हम लोग एवरीडे लाइफ में एक्शन करते हैं या फिर बिहेव करते हैं या फिर जिस हिसाब से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके साथ उन्होंने कंपेयर किया है। तो इसका एक बहुत ही इंग्लिशिकल टर्म है। तो ये जो उन्होंने काम किया था, तो ये उन्होंने अपना बुक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में किया था। जो उन्होंने ये स्टडी किया था, ये माइक्रो लेवल स्टडी था, एंड ही यूज थिएटर एज अ मेटाफर। सो व्हाट इज़ द टर्म? मेटाफर, जो थिएटर है उनको एज अ मेटाफर यूज़ किया है। तो थिएटर को उन्होंने किसका मेटाफर, मतलब क्या होता है, एक चीज़ को समझाने के लिए दूसरा चीज़ का एग्जाम्पल। तो बेसिकली मैं बोल देती हूँ क्या है। तो उन्होंने जो स्टेज है जहाँ पे एक्टर्स लोग एक्टिंग करते हैं, वो स्टेज को सोसाइटी के साथ कंपेयर किया है। मतलब स्टेज जहाँ पे एक्टर्स कम एक्टिंग करते हैं उसको सोसाइटी के साथ कंपेयर किया है, और एक्टर्स जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, तो एक्टर के साथ हम लोग जो पीपल है सोसाइटी में उसको कंपेयर किया है। एंड उन्होंने बैक स्टेज एंड फ्रंट स्टेज का कॉन्सेप्ट दिया है। और जैसे कि एक थिएटर में डायरेक्शन रहता है ना, रोल्स रहता है, स्क्रिप्ट रहता है, जिस हिसाब से जो एक्टर है उसको एक्टिंग करना पड़ता है। एक्टर तो खुद ब खुद आके एक्टिंग नहीं करता है ना, उसको जो डिमांड रहता है स्क्रिप्ट का, उसी के बेसिस पे वो एक्टिंग करता है। उसी के बेसिस पे हम लोग जो है, हम लोग के सोसाइटी में भी नॉर्म्स है, वैल्यूज है, जिस हिसाब से हम लोग एक्टिंग करते हैं। ओके, या फिर एक्ट करते हैं, एक्टिंग गलत सुनाई दे रहा, एक्ट करते हैं। ओके, हम लोग उसी हिसाब से डायलॉग्स बोलते, जैसे एक्टर्स लोग डायलॉग्स बोलते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, एक्शंस करते हैं, उसी बेसिस पे हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो भी मतलब क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस या फिर इंटरेक्ट करते हैं। ओके, और ऑडियंस, ऑडियंस जो होते हैं, ऑडियंस कोई भी हो सकता है। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, आप लोग ऑडियंस हो मेरे लिए, आप लोग और आपके लिए मैं ऑडियंस हूँ,
मेरे लिए आप लोग ऑडियंस हो। मतलब जब भी एक्ट होता है, जो सामने होता है, जो जो देखता है, जिसके लिए आप एक्ट करते हो, वो कोई भी हो सकता है, आपके मदर फादर या फिर टीचर्स, फ्रेंड्स, वो ऑडियंस होता है। ओके, और उन्होंने और एक जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया था, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इसके बारे में भी मैं सामने वीडियो में और बोलूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, वीडियो तो अभी बाकी है। एनीवेज, सो जैसे उनका ये मतलब है कि हम लोग का जो सोशल लाइफ है, इट्स लाइक अ ड्रामा और अ स्टेज प्ले। सोशल लाइफ मतलब आपको समझ में आता है, एवरीडे लाइफ। सोशल लाइफ मतलब जो हम लोग रहते हैं, सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, अपना लाइफ का एवरीडे काम करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वीडियोस देखते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के बात करते हैं। तो वो जो एवरीडे लाइफ है, उनके हिसाब से वो एक ड्रामा है और अ स्टेज प्ले है। ड्रामा स्टेज प्ले शायद आपको समझ में आता होगा। तो उनके हिसाब से एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो ऑफकोर्स एक बच्चा जब जन्म हुआ है, उसको तो कुछ समझ में आता नहीं, बेचारा नॉर्मल बच्चा, उसको क्या ही समझ में आएगा, नो नॉलेज। बट उसको थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के थ्रू उसको जो एवरीडे लाइफ का जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, किस हिसाब से किस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उसको सोशलाइज किया जाता है, उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस को या फिर रोल को समझते। जैसे एक्टर्स जैसे एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग ड्रामा स्कूल में जाते हैं, बट हम लोगों को वो सब का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोगों को थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन हमको सिखाया जाता है इन दिस वन पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ, एंड वन थिंग इन दिस ड्रामाटर्जी कॉन्सेप्ट, आपको बहुत एग्जाम्पल यूज़ करना पड़ेगा दिस, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी ईजी, एंड इफ़ यू यूज़ मैनी एग्जाम्पल्स तो जो आपका रीडर होगा या फिर जो आपका कॉपी पढ़ रहा है उसको समझ में आएगा दैट यू नो द कॉन्सेप्ट। तो जैसे हम लोग कोई सीनियर से मिलते हैं, फिर हम लोगों से बड़े जो होते हैं उनसे मिलते हैं, तो हम लोग जनरली हाथ जोड़ते हैं। ये हम कोई बच्चे को तो नहीं पता होगा ना कि किसी बड़े को देख के हाथ जोड़ना पड़ता है। उसको ये चीज़ें समझाया गया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कि ये हम लोग का नॉर्म्स है, वैल्यूज है, कि कोई भी एल्डर को देखो तो उसको हाथ जोड़ करके एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट किया करो। तो एनीवेज, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द सेल्फ लाइज एट द सेंटर ऑफ आवर परफॉर्मेंस। वी हैव द आइडियाज ऑफ हाउ वी वॉन्ट अदर्स टू थिंक ऑफ अस। तो हम लोगों का जो सेल्फ है ना, वो हम लोगों का जो परफॉर्मेंस होता है उसका सेंटर होता है। ओके, तो ये जो सेल्फ होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग के कंट्रोल में रहता है, या फिर हम लोग के पास ही रहता है। जिस हिसाब से हम लोग दूसरों को चाहते हैं अपने बारे में सोचना, उस हिसाब से हम लोग अपना सेल्फ प्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस सामने वाला हम लोग के बारे में अच्छा सोचे, तो हम लोग एक अच्छा सेल्फ प्रेजेंट करते हैं अपने बारे में। या फिर हम आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सामने वाला कुछ आपके बारे में सोचे, तो वी डोंट प्रेजेंट आवर सेल्फ। तो ही इन दिस टर्म ही ऑल्सो गिव अ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट, विच इज़ बेसिकली गवर्नमेंट कॉल दोज एफर्ट्स टू मैनेज द इम्प्रेशन दैट अदर्स रिसीव ऑफ आस इज इम्प्रेशन मैनेजमेंट। ओके, मतलब हम लोग एक सामने वाला जो है उसके सामने ना हम लोग एक इम्प्रेशन बिल्ड करना चाहते हैं, अच्छा इम्प्रेशन। तो वो जो इम्प्रेशन बिल्ड करने का जो मैनेजमेंट होता है वो अपने हाथ में होता है, कैसे हम लोग इम्प्रेशन बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, तो एवरीडे लाइफ से गवर्नमेंट इन्वॉल्व प्लेइंग आवर असाइन रोल। तो हम लोग के एवरीडे लाइफ में हम लोग को जो रोल दिया जाता है उस बेसिस पे हम लोग एक्ट करते हैं। वी हैव फ्रंट स्टेज ऑन विच टू परफॉर्म। तो इरविन गॉफमैन बोलते हैं फ्रंट स्टेज होता है और बैक स्टेज होता है। आप कभी भी थिएटर में जाओगे तो देखना, दो स्टेज होता है, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। तो फ्रंट स्टेज में जो होता है एक्टर एकदम सीरियस रहता है, अपना पर्सनैलिटी में नहीं रहता है, रियल पर्सनैलिटी जो होता है उसमें नहीं कर रहता है। जो पर्सनैलिटी या फिर जो परफॉर्मेंस उसको स्क्रिप्ट में या फिर डायरेक्टर ने दिया है
या फिर जिस हिसाब से उसको लगता है कि इम्प्रेशन बिल्ड करना पड़ेगा अपने ऑडियंस पे या फिर जो उसके सामने, उस बेसिस पे वो एक्ट करता है। तो वो होता है फ्रंट स्टेज। तो अपना जो एक्टर होता है या फिर जो ह्यूमंस होते हैं, तो उस ह्यूमंस या फिर पीपल, तो जो हम लोग होते हैं वो अपना ज़्यादातर जीवन जो होता है वो फ्रंट स्टेज में टाइम स्पेंड रहते हैं। मतलब फ्रंट स्टेज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्लासरूम फ्रंट स्टेज हो सकता है, इंटरव्यू हॉल फ्रंट स्टेज हो सकता है, और क्या क्या, कुछ भी सिचुएशन। आप किसी के साथ डेट में गए हो, फ्रंट स्टेज हो रहा है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, फ्रंट स्टेज हो रहा है। ओके, तो एवरी थिंग फ्रंट स्टेज हो सकता है, जहाँ पे आपको एक्ट करना पड़ता है या फिर जहाँ पे आपको कुछ इम्प्रेशन बनाना पड़ता है, जहाँ पे आप एक्ट करते हो। ओके, और बैक स्टेज क्या होता है? बैक स्टेज ये होता है जहाँ पे आप अपने आप में रह सकते हो। वहाँ पे आपको कोई इम्प्रेशन बिल्ड करने का या फिर आपके पास कोई रोल्स नहीं, मतलब स्क्रिप्ट नहीं है, या फिर नॉर्म्स वैल्यूज आप कम ही फॉलो करते हो। ओके, यू कैन बी योर सेल्फ, जो आपका रियल सेल्फ है। वहाँ पे आप आपका सेल्फ को आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, उसको फ्री छोड़ सकते हो जैसे आप चाहो। जैसे कि सोचो, जब आप अकेले रहते हो तो आप अपना स्किन केयर करते हो, फेस देखते हो, चिल्लाते हो, गाना करते हो, अपने आप ही बात करते हो, अकेले अकेले कॉन्सर्ट करते हो, क्योंकि आपको पता है ऐसा कोई है नहीं जिसको आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा। या फिर शायद जब आप अपने पेरेंट्स जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ होते हो, जिसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो, यू कैन बी योर सेल्फ। आप मिस्टेक्स कर सकते हो, यू कैन बी अ लिटिल चाइल्डिश, यू कैन बी योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट। यू डोंट हैव टू एक्ट। कोई कोई अलग होता है, वो अपने बॉयफ्रेंड के सामने भी एक्ट करता है, बट एनी वेज, जैसे गिविंग अ नॉर्मल सिचुएशन। ओके, सो एनी वेज, तो बट एक सेम जगह का बैक स्टेज भी हो सकता है, फ्रंट स्टेज भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जब वी गेट इनटू आवर कार एंड वी लुक ओवर आवर हेयर इन द मिरर और चेक आवर मेकअप मेकअप वी आर यूजिंग द कार एज अ बैक स्टेज। एवरी डे लाइफ ब्रिंग अस विद इट मेनी रोल्स। एनी वेज, तो जैसे कि हम लोग जैसे आप कार चलाते हो, तो जब कार में आपके फ्रेंड्स आते हैं ना, सो यू एक्ट डिफरेंटली। लाइक चाहे तो आप टेलर स्विफ्ट का गाना चलाते हैं, जस्टिन बीबर का, जस्ट टू बिल्ड अ इम्प्रेशन या फिर कूल दिखने के लिए। बट जब आप अकेले रहते हो कार में, तब शायद तो आप नॉर्मल गाना सुनते हो, जो आपको बिहारी भोजपुरी सॉन्ग्स, या फिर मिरर में आप अपने आप को चेक करते हो, मेकअप ठीक करते हो। तो जब भी कोई आ जाता है आपके सामने, जिसके सामने आपको इम्प्रेशन बिल्ड करना पड़ता है, वो फ्रंट स्टेज होता जाता है। ओके, जहाँ पे आपको एक्ट करना पड़ता है, जहाँ पे आप कॉन्शियस हो जाते हो। एट द सेम टाइम वही सेम कार आपका बैक स्टेज बन गया, जब कोई है नहीं, जब आपके सामने कोई है नहीं, आपको कोई इम्प्रेशन या फिर कोई एक्टिंग नहीं कर, यू कैन बी योर सेल्फ। ओके ओके, सो एक जो इंसान होता है, ऐसा नहीं कि उसका एक ही रोल होता है, एक इंसान का बहुत मल्टीपल्स रोल होता है। जैसे कि एक इंसान स्टूडेंट हो सकता है, टीनेजर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है शॉपकीपर के सामने, या फिर डॉटर हो सकता है। प्रत्येक अलग अलग रोल हो सकता है, एंड ऑल दो आर रोल रोल्स ले डाउन द बेसिक आउटलाइन फॉर अ परफॉर्मेंस, इट ऑल्सो अलाउज अ ग्रेट डील फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। द पर्टिकुलर एम्फसाइज आवर इंटरप्रिटेशन दैट वी गिव अ रोल, आवर स्टाइल इज नोन एज रोल परफॉर्मेंस। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि एक इंसान का बहुत सारा रोल्स हो सकता है। ओके, बहुत सारा वो एक्ट करता है। ओके, एनी वेज, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे मैंने बोला था, इरविन गॉफमैन मेटाफर यूज़ करते हैं थोलेसली। उन्होंने पीपल को एक्टर के साथ, जैसे मैंने पहले ही बोला है, सोसाइटी को स्टेज के साथ, एंड द इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद वन अनदर एज द एक्टर्स एक्सचेंज डायलॉग्स, दे आर बीन डिरेक्टेड बाई द नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट द फॉलो एज द मेम्बर ऑफ सोसाइटी। तो ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। एनीवेज, लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ ये लिखा है, एज दे हैव टू स्टिक टू द डायरेक्शन, द एक्टर्स कॉन्स्टेंटली एंगेज इन व्हाट इज कॉल्ड इम्प्रेशन मैनेजमेंट। नाउ इम्प्रेशन मैनेजमेंट, ये इनका ही एक कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं डिटेल्स में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इम्प्रेशन मैनेजमेंट ये होता है, जैसे कि सामने वाला कोई है, आपको उसके साथ कोई
उसको इम्प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि सर्टेन गोल्स का। तो आपको पता है कि प्रत्येक जो एक्टर्स होता है उसका एक एक्शन होता है, तो एक्शन का एक सर्टेन गोल्स होता है कि उसको एक दिमाग में गोल रहता है कि आप कोई भी काम करते हो उसका आपको कोई मोटिव होगा। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई करता है, किस लिए करता है, मार्क्स के लिए करता है। एक जैसे मैं आपको यूट्यूब वीडियो दे रही हूँ, किस लिए दे रही हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेमस होने के लिए और कहीं ना कहीं अपना नॉलेज शेयर करने के लिए एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए। तो ऑफकोर्स मेरा ये गोल है, तो यही तो मुझे एक इम्प्रेशन बिल्ड करना पड़ेगा आपके सामने कि हाँ मैं मुझे सब आता है। आपको भी मेरे सामने इम्प्रेशन बिल्ड करना पड़ेगा कॉमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। तो एवरी वन, ये तो मैंने बस एग्जाम्पल दिया। अब जैसे मैंने बोला कि फ्रंट स्टेज में इम्प्रेशन बिल्ड करना पड़ता है, क्लास रूम में टीचर्स के सामने आप लोग स्ट्रेट बैठते हो, यू हैव टू, वो कुछ भी समझाते आपको समझ आए या ना आए आपको सर हिलाना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स हर किसी के सामने जो कहीं पे भी फ्रंट स्टेज होता है तो हम लोगों का जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट या फिर जो चीज़ होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, बट बैक स्टेज में वो वीक रहता है। एनी वेज, दे हैव सर्टन गोल्स इन माइंड अकॉर्डिंग टू विच दे हैव टू बिहेव, जो मैंने पहले ही बोल दिया। द बिहेवियर प्रेजेंटेड इन सच केस इज द वन दैट विल बी एक्सेप्टेड बाई द वन टू हुम वी वॉन्ट टू गिव अ इम्प्रेशन। तो हम लोग जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट करते हैं किसी के सामने, हम वही इम्प्रेशन बिल्ड करते हैं जो वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा समझा लेती हूँ उसके बाद। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आप आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ जब मिलते हो तो आप उनका पैर छूते हो, आंटी मैं कर देती हूँ, प्लेट रख देती हूँ, आंटी आप बोलिए, आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, एकदम अच्छा लैंग्वेज यूज़ करते हो, आंटी 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 ये आंटी मेरे घर में बहुत काम करती हो। तो आप एक यहाँ पे एक इम्प्रेशन बिल्ड करो। क्यों बिल्ड कर रहे हो? क्योंकि अगर पता है, अगर आप इम्प्रेशन बिल्ड नहीं करोगे तो आपके फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं वो आपके बारे में ख़राब सोचेंगे और सोचेंगे मेरे बेटे तो गलत संगत में है। उनको समझाने के लिए कि उनके फ्रेंड्स जो है, उनके बेटे जो है वो गुड कंपनी में, आप एक अच्छा बच्चा बनने का इम्प्रेशन बिल्ड करते हो। एट द सेम टाइम जब आपके फ्रेंड्स के सामने होते हो तो आप इम्प्रेशन बिल्ड नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है इनके सामने भी इम्प्रेशन बिल्ड करके क्या फ़ायदा। आप स्लैंग्स यूज़ करते हो, आप बोलते हो हट ना बे, प्लेट रख के आ चल। तो डिफरेंट सिचुएशन में वी एक्ट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द जो सिचुएशन डिमांड करता है। एनी वेज, नाउ सेल्फ इज द सेल्फ दैट वी आर लाइकली टू शो टू द वर्ल्ड, दैट द सेल्फ दैट वी प्रेजेंट व्हेन वी गो आउट टू आवर फैमिलियर सेटिंग। ओके, तो व्हेन वी इंटरैक्ट विद द पीपल वी आर नॉट येट कंफर्टेबल विद, दोज आर द पीपल वी डोंट नो, देयर इज वेयर आवर इम्प्रेशन मैनेजमेंट कम्स टू अ प्ले। वी यूजली टेंड टू पुट आउट द बिहेवियर दैट वी इजिली एक्सेप्टेड बाई द पीपल ऑफ द सोसाइटी। ऑफकोर्स फ्रंट स्टेज में बेसिकली हम लोग उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करते हैं ज़्यादा, जिनको हम जानते नहीं हैं या फिर कम जानते हैं या फिर जिनके साथ हम लोग कम्फर्टेबल नहीं होते, जस्ट टू प्रेजेंट अ वेरी गुड सेल्फ, या फिर जिससे वो सामने वाला हम लोग का सेल्फ देख के इम्प्रेस हो जाए। सो वी प्रेजेंट अ गुड सेल्फ एंड वहाँ पे क्या काम हो जाता है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट का काम हो जाता है। तो एनीवेज, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ एनीवेज, वी आर ऑफ स्टेज, यहाँ पे लिखा है बैक स्टेज में हम लोग मोर रिलैक्स रहते हैं, कम अनऑब्जर्व रहते हैं। द स्टेज दस बिकेम अ मेटाफोर वेयर वी एक्ट इन द वे दैट फुलफिल आवर नीड्स टू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। एनी वेज, तो ये तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो ड्रामाटर्की, उनका जो ये एडविन गवर्नमेंट का जो आइडिया है, जो हम लोग का जीवन है वो एक नेवर एंडिंग प्ले है इन विच पीपल आर द एक्टर्स। गवर्नमेंट बिलीव दैट व्हेन वी आर बोर्न वी आर थर्स ऑन टू अ स्टेज कॉल्ड एवरीडे लाइफ, दैट आवर सोशलाइजेशन कॉन्सिस्ट ऑफ लर्निंग हाउ टू प्ले और असाइन रोल्स ऑफ अदर्स पीपल। वी इनैक्ट आवर रोल्स इन द कंपनी ऑफ अदर्स हु आर इन टर्न इंटरैक्टिंग देयर ओल्ड रोल्स इन इंटरैक्शन विद अस। सो ही बिलीव्स दैट वॉट एवर वी डू वी आर प्लेइंग आउट सम रोल्स ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ। तो वो यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं कि जो सोसाइटी होता है वहाँ पे सब लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, सामने वाला भी
अपना खुद का रोल प्ले करता है, एंड ये जो लाइफ है वो एक नेवर एंडिंग प्ले है। आपको हर एक मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ में कब कोई भी स्टेज आता है विदाउट रोल आप रह सकते हो, आपको कोई ना कोई रोल प्ले करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये टर्म यूज़ किया है, लाइफ इज़ अ नेवर एंडिंग प्ले, और जहाँ पे आपको थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन आपको लर्निंग के थ्रू आपको रोल्स असाइन किया जाएगा जिसके बेसिस पे आपको प्ले करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको इंप्रेशन बिल्ड करने का ज़रूरत समझ में आए वहाँ पे करो, जहाँ पे नहीं आता है वहाँ पे मत करो। एंड जैसे कि आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, सामने वाला अपना रोल प्ले कर रहा है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट में आई डिस्कस अबाउट मोर अबाउट द टॉपिक एंड द इम्प्रेशन मैनेजमेंट थिंग, मैं डिटेल्स में समझा दूंगी।